एचएल टीवी न्यूज। फरीदकोट में बढ़ रही गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही। रोज रोज होने वाली वारदातों से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज दोपहर फरीदकोट में उस समय हड़कंप मच गया जब फरीदकोट के सादिक चौक में करीब 28 वर्षीय नौजवान पर तलवारों और होकियों के साथ 15-20 के करीब व्यक्तियों ने हमला करने का मामला सामने आया। इस मौके जख्मी गुरलाल सिंह ने बताया क्या मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर हुई थी जिस कारण उनकी लड़ाई हुई जिसमें वह जख्मी हो गए। इस मौके डीएसपी सुखदेव सिंह बराड़ ने कहा कि जख्मी के बयान लिख के लिए हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा। मेरे चाचे का मुंडा उधरों तुरंत मोटरसाइकिल से आज चाचे का मुंडा तो भरा बैठा ही ये तुरंत इन्होंने हारन मार के नाले मुच्छा मुच्छा हाथ चढ़ाते थे तो बाद बिच मारिया नाले मोटरसाइकिल उन्होंने तो चाचे का मुंडा कहता भी तुम देखता नहीं अगों अगों गल पै गए चाचे मुंडे की फिर दोवें जने असी गड्डी बैठे से जो सानू दसा भी वोडे गल पई जाते तेरे चाचे के मुंडे फिर असी सारे चल गए फिर असी उन्होंने कुटिया फिर बाद जो असी गए उन्होंने पता नहीं किन्ने 30-35 मुंडे से जो बुलाए उन्होंने और इस तरह जी आप बैठा से मुंडा तो उतों भज के आया तो की गल हो गई जो रेते डिग पाया तो ये उत्ते 5-10 बंद ने कृपा ना हमला करता जो एक राह चलते बंदे छुटाने की कोशिश की वो मिसे नाल सी जो उन्होंने कृपाना लैके हमला करता उस तो आप जान जाके जरे भज गए एक व्यक्ति ने इन की वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्हें पिछले कृपाना लैके भज गए इन्हें कर 25-30 बंदे से तो दो रिवालवर से हाकी राड़ा तो मोटे मोटे पाइप्स इस तरह जी नानकसर बस्ती हैगी फिरोजपुर रोड से उत्थे सवेरों सुबह तकरार होया दो लड़कियां दे विच जिथों ये वधदी वधदी गल लड़ाई चिकर बन गई हुण दूसरी धिर दे 4-7 बंदियां दी सट्टां लगियां जिहड़ी एडमिट आ ते असीं जिहड़ा उहनां दा बयान लिख के ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਸ ਹੈਗੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਐਚਐਲ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਰੋਮਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼।